मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज देखिए कितना अच्छा मौसम है, और मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था कि हमारे घर में इतना डिस्टरबेंस चल रहा है। इस समय सब घर बन रहा है, तो हमारा इस छत पे गार्डन था, बहुत सारे प्लांट्स लगे थे। देखिए पूरी छत खाली कर दी गई है, क्योंकि हमारे इस छत में नीचे नीचे जो रूम है उसमें सीलन आ रही थी, इसी वजह से हमको छत बनवानी है। और सारे गमले देखिए एक तरफ मजदूरों ने कर दिए, मुझे पता ही नहीं चला जब मैं ऊपर आई टेरिस पे, क्योंकि हर समय तो ऊपर कोई हर समय टेरिस पे नहीं रहता है। और पता नहीं कब आके मजदूरों ने सारी मेरी वाइन देखी थी, टिकोमा वाइन थी हमारी, मॉर्निंग ग्लोरी थी, मॉर्निंग ग्लोरी को बिल्कुल तोड़ दिया, बिल्कुल बची नहीं है, थोड़ी सी वेस्टम बची है, बाकी हमारी मॉर्निंग ग्लोरी पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे ढूंढे इसका प्लांट नहीं मिला। ये देखिए ये पड़ी हुई है मॉर्निंग ग्लोरी मेरी, ऐसी ख़राब कर दी है, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है हमारे पौधों का। इधर हिबिस्कस का प्लांट, इधर मनोकामिनी और बहुत सारे पौधे हमारे, देखिए रजनीगंधा के प्लांट है, रोज़ के प्लांट है, सारे इधर एक साथ सब कर दिए हैं पूरे, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हमारा प्लांट, वो सारे प्लांट हमारे डिस्टर्ब हो गए हैं, पूरे एक जगह रख दिए हैं एक छत पे लाके, और ये सारे प्लांट इधर एक जगह रखे हैं, पूरे एक एक जगह पे जैसे बहुत सारे प्लांट रख दो, उस तरीके से हमारे गार्डन का आजकल व्यू चल रहा है। मुझे अपना गार्डन बहुत ख़राब लग रहा है, लेकिन बरसात हो रही है 2 दिन से, तो पौधों को पानी मिल रहा है, तो इससे पौधे हमारे खुश हैं। एक पास से पौधे सब होते हैं तो खुश होते हैं। और ये देखिए, ये हम तसले में मैंने टिकोमा वाइट टिकोमा लगाई थी, वो वाली टिकोमा और हमारी ऑरेंज टिकोमा, ये सब एक साथ बिल्कुल घसीट के कर दिए। तसला मेरा टूट भी गया है, देखिए तसला पहले टूटा नहीं था और मजदूरों ने हमारा तसला तोड़ दिया। तो आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जो मैं आपको, ये मेरा बड़ा सा गमला है जो रोज़ प्लांट का, वो भी खिसका के पूरी छत खाली कर दी, आपको मैं दिखाती हूँ, पूरी छत खाली कर दी है, वो सारे गमले नीचे गिरे पड़े थे मैंने उठा उठा के रखे हैं। और आज मेरा वीडियो ये है कि आप इस नींबू का प्लांट आप देखिए, हमारे नींबू पक भी गए हैं, इससे ज़्यादा पकवाने की नींबू ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 2 बार अपने नींबू प्लांट का वीडियो बनाया है, आज 3री बार लास्ट वीडियो है इसका, क्योंकि मुझे इसको रिकॉर्ड भी करना है। तो सारे देखिए ऊपर तक रूट्स आ गई हैं, ऊपर तक जब रूट्स जाती है तो हमारे प्लांट को रिपोर्ट करना पड़ता है। देखिए यहाँ तक रूट जमी हुई है, देखिए ये रूट जमी हुई है, और हमारा नींबू का प्लांट बड़ा हो गया, और ये हमारा 15-20 इंच का हमारा जरी केन है। अब इससे हमें ट्रांसफर करने करके इस इतने बड़े गमले में, 20 इंच के गमले में, 30 इंच के गमला है, इस इतने बड़े गमले में हमको नींबू का प्लांट ट्रांसफर करना है, तो मुझे नींबू तोड़ने पड़ेंगे। और नींबू हमारे पक भी गए हैं, बहुत सारे नींबू मैंने आपको 2-3 बार वीडियो दिखाया, बहुत सारे नींबू इस बार आए थे, लास्ट फाइनल हमारा भी आज इसमें नींबू में तोड़ लूँगी सारे। तो क्योंकि हमारे पौधे डिस्टर्ब भी हो गए हैं, और इनको रिपोर्ट कर दूँगी हमारे नींबू के प्लांट को। तो दो सीज़न में 2 बार नींबू लगते हैं, तो फिर नींबू फिर से आएंगे, क्योंकि 2 महीना उसको हम दूसरे पॉट में 1-1.5-2 महीने उसमें रूट्स डेवलप करने में, और मिट्टी में रूट्स जब फैलती हैं तभी पौधा ऊपर से बढ़िया चलता है। तो इसको निकाल के हल्के से रूट झाड़ने के बाद में हम बड़े से गमले में इसको लगाएंगे, बहुत बढ़िया सॉइल बनाएंगे, क्योंकि एक बार बड़े गमले में सॉइल, सबसे पहले जब कोई प्लांट लगाए तो उसकी सॉइल मीडिया बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये हमारा पूरा मैच्योर प्लांट है, बड़ा प्लांट है, तो इसकी सॉइल मीडिया बहुत अच्छी होनी चाहिए। छोटे प्लांट में सॉइल मीडिया बनाइए अच्छी, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी में वो लग जाता है, लेकिन ये जो हमारा बड़ा प्लांट है, बड़े प्लांट के लिए जब हम मिट्टी बनाएं तो बहुत सारी खादें मिलाने के बाद, वर्मी कंपोस्ट जो मैं होम मेड बनाती हूँ, पत्तियों की खाद है और थोड़ी सी सेंड है, थोड़ी राख है, और सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है, सूखा जो सरसों की खली पिसवा के मैं रख लेती हूँ उसका, और नीम की खली है, नीम की खली को डालूँगी, और गोबर की सड़ी खाद तो बेस्ट सबसे होती है। देखिए पक भी गए नहीं, पीले पीले, ये आपको हाइब्रिड पकाए जाते हैं, लेकिन हमारे पौधे में पके हुए लगे हैं, आप मैं आपके सामने अपना वीडियो बना रही हूँ। और तो बहुत सारे बड़े बड़े हो गए, इससे ज़्यादा नींबू बढ़ते भी नहीं, और जब पकने लगता है तो नींबू बढ़ना बंद कर देता है, जितने बड़े होने थे उतने बड़े हो गए, और हमारे जरीकेन में नींबू इतने आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ज़मीन के पौधों प्लांट जो होते हैं उसमें नींबू नेचुरली आते हैं, और हम जब जरीकेन वगैरह में किसी गमले में लगाते हैं कोई पौधा, और अगर जो उसमें फल आता है तो बहुत ही बढ़िया, आपके गार्डनिंग सबसे, सोचिए आप जब गार्डनिंग करते हैं और जब भी कोई प्लांट में फल या फ्रूट्स आता है तो आपको बहुत खुशी होती है, आपको विश्वास हो जाता है कि आप अच्छे गार्डनर होने वाले हैं, हो रहे हैं, और बहुत सारी सीख भी मिलती है। जब भी कोई गमले
गमले में पौधा आप लगाएं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़मीन में तो लगा दो और अपने आप भगवान की देन है, अपने आप स्वीफर निकलते हैं और खाद वगैरह भी डालनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती। लेकिन जो हमारे गमले के प्लांट होते हैं उसमें समय समय पर हर चीज़ की ज़रूरत होती है उनको। और तो फाइनली आज मैंने अपना वीडियो आपको बना के मैं दिखा रही हूँ और जितने नींबू हैं मैंने तोड़ लिए हैं, बहुत सारे नींबू निकले हैं वो आपके सामने हैं। और मैं कोई वीडियो ऐसा नहीं बनाती हूँ जो आपको गलत लगे, बिल्कुल जो ओरिजिनल चीज़ है, जो सच है, वही मैं सामने लाती हूँ अपने वीडियो के ज़रिए। तो वो आप लोग देख भी रहे हैं और आशा है मेरा आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आता होगा। बस पसंद आए तो हमारे सब्सक्राइबर प्लीज़ बढ़ाएं और हमारे और लिंक पे शेयर ज़रूर किया करें, जिससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन और बढ़ता रहे और अच्छे से अच्छे मैं आपको प्लांट लगाऊं, अच्छे से अच्छे जानकारी दूं। और इस तरीके से सारे नींबू देखे टूट गए, अब कहीं नहीं लगा है, एक छोटा सा नींबू लगा है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो नींबू मैं नहीं तोड़ूंगी, छोटे बच्चों को तोड़ना बिल्कुल गलत बात है, छोटे बच्चों के ये देखिए छोटा सा लगा, इसको नहीं तोड़ूंगी। बाकी मैंने नींबू तोड़े हैं, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे पास कितने नींबू टोटल हैं। हमारे पास यहाँ कोई बर्तन नहीं तो ये हमारी चौकी है, इसको मैं पलट लेती हूँ, इसी में मैं नींबू रखती हूँ। और ये देखिए मैं आपको गिन के दिखा, दो गिन के दिखा रही हूँ, बहुत सारे नींबू ये देखो लगा हुआ है, अभी इसको बांध तोड़ूंगी। 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ये बहुत बड़े बड़े नींबू, आपको छोटे लग रहे हो लेकिन बहुत बड़े बड़े, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एक छोटा थोड़ा सा तोड़ना पड़ा, 22 और ये फाइनली ये लगा हुआ है 23। 23 नींबू निकले हैं फाइनल हमारा प्लांट। अभी हमारा प्लांट बिल्कुल खाली हो गया, इसको जरीकेन से निकालना बहुत ही, क्योंकि जड़ें जो होती हैं बिल्कुल चिपक जाती हैं। अब इसको निकालने से धीरे धीरे से किनारे से खुरपी डाल के मैं उसको मिट्टी, पहले यहाँ से मिट्टी निकाल लूँगी, फिर पलट के खुरपी डाल के इसको जब मैं रिपोर्ट करूँगी तो आपको दूसरा वीडियो दिखाऊँगी और कौन सी खाद मिलाऊँगी वो अपना दूसरा वीडियो में आप देखेंगे। और फाइनली हमारे 23 नींबू फूट के तैयार हो गए हैं। ये नींबू अगर जो 200 हिसाब से आप बता लें जब कोरोना के पीरियड में, तो कम से कम 1.5 किलो नींबू है, 1.5 किलो नींबू हमारा हमारे पास कितने का हुआ तो आप जानते हैं, 300 का नींबू, 1.5 किलो नींबू 200 रुपये, हमारे पास 300 का नींबू रखा हुआ है। ये 300 का नींबू हमारे घर से निकला और फ्री का नींबू है, कोई इसमें कास नहीं, बस पौधे की कास ही पौधा मैंने जो लगाया था 20-25 रुपये का पौधा था, क्योंकि सरकारी नर्सरी से लाई थी। और अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ, आशा है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा हमारे नींबू के साथ। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।